Yesterday we talked about already present simple. Now today we'll discuss present continuous. So it's better you can first of all you can write this chart. So this chart will help you in a very good manner like this. First, present simple ta hai, ti hai, te hai, te hai, already we have discussed. Now today we'll discuss present continuous. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई भी अगर रहा है, रही है, बैठा है, खड़ा है, जा रहा है, वो खो रहा है, तो इस तरह के वाक्य को हम पहचान सकते हैं, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इसमें हेल्पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज, एम, आर। इस किस किस के साथ आएगा फ्रेंड? ही, सी, इट और कोई भी नेम के साथ इज आएगा। और आई सॉरी वी दे के साथ आर आएगा और यू के साथ भी आर आएगा और एम आएगा आई के साथ। सो हेल्पिंग वर्ब ही सी इट और नेम के साथ इज आएगा। आर कब आएगा? यू वी दे के साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, ही इज गोइंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड, मोहन इज लॉफिंग लाइक एनीथिंग, वी आर मीटिंग विद देम, दे आर ईटिंग, सो लाइक दैट। एंड सेकेंड इज वर्ब फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स फोर्थ फॉर्म कौन सी कहलाती है फ्रेंड्स? जिसमें आई एन जी लग जाए, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। तो तीन फॉर्म होती है, लेकिन फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की? जिसमें कि हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे ही इज सिंगिंग, तो सिंग के साथ आईएनजी लगा तो दिस विल बिकम व्हाट? वर्ब की, दिस इज फोर्थ फॉर्म। नाउ सेम विद दिस, इसमें भी आपका सिंटैक्स नोट कर लीजिए आप। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज नॉट और इजेंट, एमेंट, एम नॉट, आर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट लिसनिंग मी लाइक दैट। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, लाइक दैट। सो यू कैन जस्ट सिंपली जॉट इट डाउन दिस चार्ट, दिस विल हेल्प यू। You can just write down this chart. Present perfect same. Identification कैसे करेंगे हम इसका? Present perfect का चुका है, चुकी है या ई ए, इसके साथ present perfect में हम have, has का use करेंगे और verb की third form आएगी। Same syntax लिख लीजिए आप present perfect का। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव गॉन, ही हैज नॉट गॉन। तो सिंपली आप सारे टेंस को एक चार्ट में लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ रहा है, रही है, खड़ा है, पड़ा है। इसमें मींस पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, तो हैव बीन और हैज बीन यूज करेंगे। हैज बीन कब यूज करेंगे फ्रेंड्स? ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन यूज होगा। हैव बीन, आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन यूज होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, राइट? हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, देन वर्ड की वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका सिंटैक्स लिख लीजिए आप। बेटर होगा यू कैन जस्ट राइट दिस चार्ट। सो बाय हेल्पिंग दिस चार्ट
you will be more comfortable about the tenses. So we are talking about this has been and have been. जैसे मैं 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. So like I have been waiting for 3 hours. He has not been waiting for 3 hours. इसमें like since और for use होता है. Since कब यूज होगा? जब एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं है, then you can use since. जैसे I have been waiting since morning. I am waiting for him since morning. कि इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं है, then point of time you can use since. जिसमें टाइम डिसाइडेड है कि कल से वेट कर रहा है या 3 hours से वेट कर रहा है, तो उसमें we can use for. I have been waiting for 4 hours. So it's better you can just first, I am giving you the time to note this chart. So we present perfect continuous. Now next chart is simple past. You can write it down. I am giving you the time. First note it down, then we'll discuss about the tenses. Simple past. आप इसको recognize कैसे करेंगे? आ या ई ये. तो simple past में हम verb कौन सी लगाएंगे? Did with all subject. इसको लिख लीजिए आप इस chart को, तो ज्यादा better होगा. This will help you. He didn't speak about you. उसने आपके बारे में नहीं बोला. I went to go to market. Like that, like this is simple past. इसके syntax आप लिख लीजिए, this is simple past. गया, जो past में simple होगा, that is this just write it down. Simple past. सिंपल पास्ट में क्या यूज होगा? डिड. वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी इसमें, लाइक ही पास्ड अवे, ही डिस्कस्ड अबाउट यू, यस्टरडे ही डिस्कस्ड अबाउट यू, लाइक दैट. Now, past continuous, रहा था, खड़ा था, बैठा था, was and were का यूज होगा. was कब यूज होगा? he, she, it और किसी भी नेम और I के साथ was यूज होगा. were, you, we, they के साथ were यूज होगा. this is past continuous. verb की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी लगेगा. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर. वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट. निगेटिव में सब्जेक्ट वॉजंट वरंट और नॉट. वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग, यू आर नॉट गोइंग. Past and past continuous, and next is past perfect. इसको just you can just write it down. इस तरह के वाक्यों को आप कैसे पहचान सकते हैं? Past perfect, चुका था, आ था, या था, ई थी. जो perfect है, past perfect, उसमें हम
हैड यूज करेंगे विद ऑल सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैड गॉन, ही हैड नॉट गॉन। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। I had been waiting for 2 hours now, past perfect continuous। पास्ट परफेक्ट में क्या लगना था, सिंपल हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस समय के साथ, इसको आप इट्स बेटर यू कैन राइट इट डाउन, रहा था, खड़ा था, बैठा था, बट पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम, और उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन विद ऑल सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड आईएनजी, सेम विद दिस। नाउ सिंपल फ्यूचर, दिस इज सिंपल फ्यूचर, गा घी गे, इसकी हम वाक्यों की पहचान कैसे कर सकते हैं सेंटेंस की, सिंपल फ्यूचर में गा घी गे, विल विद ऑल सब्जेक्ट, विल यूज होगा इसमें, सिंपल फ्यूचर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सिंपल फ्यूचर, उसमें विल होगा, ही वुड स्पीक अबाउट यू, उसने आई विल नो, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, का गीगे से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, बैठा होगा, खड़ा होगा, इसको आप लिख लें ज्यादा बेटर होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आप जा रहे होंगे इस तरह से, तो पहले चार्ट नोट कर लें, देन वी डिस्कस फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह के वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे, चुका होगा, आ होगा, या होगा, मींस इस तरह की वाक्यों के हम, वह घर जा चुका होगा, वह वहां पहुंच चुका होगा, तो दिस इज व्हाट फ्यूचर परफेक्ट। इसमें हम विल हैव यूज करेंगे, विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वोंट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म
plus object. For example, he will have gone, you won't have gone. वह गया होगा, आपको ये काम करना पड़ेगा. You will have to do this work. Will have to. This is what future perfect. इसको लिख लें आप. Future perfect वाक्यों के पहचान कैसे करेंगे हम? चुका है, चुका होगा या होगा, जिसमें गा हो वो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये चार्ट आपको काफी हेल्प करेगा. एक ही चार्ट है, चार्ट में आप सारे सेंटेंस मीन्स टेंस जितने भी हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जिन वाक्यों में समय के साथ रहा होगा, बैठा होगा, खड़ा होगा, बट समय होना चाहिए. टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो फ्यूचर में कोई काम है तो उसमें हम उसके तरह के वाक्यों को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? विल प्लस हैव प्लस बीन विद ऑल सब्जेक्ट. वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी लगा देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी. इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंपल. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स मीन्स ing. negative subject plus won't, have plus been plus verb ki fourth form. like example, I will have been waiting for 2 hours. he won't have been waiting for 2 hours. वह 2 घंटे इंतजार कर रहा होगा. वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा होगा मींस ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स. ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स. This is what? इसको हम नोट कर लें आप, ज्यादा बेटर होगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग, अगर समय पर्टिकुलर टाइम है जैसे 2 आवर्स से, तो सिंस यूज करेंगे हम. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, जिसमें टाइम का जिक्र नहीं है. नोट, यूज ऑफ सिंस हम कब करेंगे? ओनली फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस मॉर्निंग लाइक एग्जांपल, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 2 o'clock, सिंस 1999, सिंस मंडे एंड सिंस मार्च. ओनली पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस. और फॉर कब यूज करेंगे? ओनली फॉर पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम मीन्स वह 2 घंटे से वेट कर रहा होगा, वो 3 डेज से वेट कर रहा होगा. यूज ऑफ हम फॉर कब यूज करेंगे? अगर कोई पर्टिकुलर टाइम और पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड है. लाइक एग्जाम्पल, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, for 2 years, like that. So it's better you can recap the things, just write this
make the chart like this. So anything, you know, graphical representation of everything is, you know, this is the easy method to learn the things. This is in tabular form. First of all, you can just write all the tenses, future perfect continuous, recognize कैसे करेंगे, क्या verb use होगी, ये सारा आप लिख लें. फ्यूचर परफेक्ट इसको लिख लें आप. इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, डिस्क्राइब दिस चार्ट, दिस विल हेल्प यू, और पुट दिस चार्ट इन योर स्टडी रूम. सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर गोइंग यू नो इन योर स्टडी रूम यू कैन जस्ट हैव यू लुक एट दैट चार्ट. सो दिस इज द इजी मेथड टू लर्न ऑल द टेंसेस. You can just write this chart. This is the easy method to learn all the tenses. I'm giving you the time, just jot it down, make the chart. So all the tenses will be covered in this chart. This is the best way to learn the, you know, or easy method to learn. You just write it down. Create